झांसी तिराहे पर स्थित 60 साल पुराने ठाकुर बाबा मंदिर और शंकर जी के मंदिर को तोड़ने पहुंचा नगरपालिका का अमला बजरंग दल के हस्तक्षेप के बाद वापस लौटा अमला। शिवपुरी शहर के झांसी तिराहे पर बने शंकर जी के मंदिर और ठाकुर बाबा मंदिर को तोड़ने नगरपालिका अमला बुधवार को पहुंच गया। इसकी जानकारी जैसे ही बजरंग दल को लगी तो बजरंग दल के लोग वहां एकत्रित हो गए और उनके हस्तक्षेप के बाद नगरपालिका का अमला वापस लौट आया। जानकारी के अनुसार विनोदपुरी गोस्वामी ने बताया कि बुधवार को सूचना प्राप्त हुई कि झांसी तिराहे पर बने 60 साल पुराने शंकर जी के मंदिर और ठाकुर बाबा मंदिर को तोड़ने के लिए नगरपालिका का अमला डंपर और जेसीबी से पहुंच गया है। इसके बाद मुझे सूचना प्राप्त हुई, जैसे ही मैं मौके पर पहुंचा तो उसने कहा कि ये 60 साल पुराने मंदिर को क्यों तोड़ रहे हो, ना ही यहाँ पर यातायात बाधित हो रहा है ना ही अतिक्रमण कर रखा है। पुजारी की एक छोटी सी पाटोरी है जिसमें मंदिर का पुजारी रहता है, आसपास के लोग यहाँ पर सेवा पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ईदगाह की दुकान को अभी तक नहीं हटाया गया है और ईदगाह पर 15 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन अभी तक उसको नहीं हटाया गया है। इसके बाद नगर पालिका का अमला वापस लौट आया। भाई साहब, कल कुछ नगर पालिका का अपना मंदिर को तोड़ना आया था, क्या कुछ घटना क्रम हुआ था? कल क्या है, झांसी तिराहे पे बहुत प्राचीन मंदिर है, कम से कम उसको 60 साल हो गई, 60 साल से वहाँ मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, ठाकुर बाबा का मंदिर है, वहाँ कोई ऐसी अभी अतिक्रमण नहीं है, वो तो प्राचीन मंदिर है, 60 साल से बना हुआ है, वहाँ सेवा कर रहे हैं, वहाँ आसपास के लोग सेवा कर रहे हैं। कल जब सूचना मिली, फोन आया कि मंदिर तोड़ने के लिए नगर पालिका प्रशासन दिया है, तो सूचना जैसे मिली वहाँ पहुँचा, वहाँ देखा तो प्रशासन, नगर पालिका पूरा प्रशासन जैसे भी डंपर से खड़े हुए थे और तोड़ने की पूरी कर रहे थे, बल्कि वहाँ ऐसे कोई अतिक्रमण नहीं है कि अतिक्रमण, वहाँ एक पुजारी का मंदिर, जो पुजारी है मंदिर की पूजा करता था, उसकी एक पाटर बनी, पाटर तोड़ने के लिए आई थी, ना उससे कोई नगरपालिका का बाधित हो रही, ना कोई ट्रैफिक में बाधित हो रही, ना किसी में बाधित हो रही। मैं जब पहुँचा मैंने बताया कि सबसे पहले ईदगाह की आप अतिक्रमण हटाइए, जो ईदगाह पर कम से कम 10 साल से वो अतिक्रमण करें, 16 दुकानें बना रखी हैं मैंने और 15 एकड़ जमीन है, 15 बीघा जमीन, 15 बीघा जमीन पर जो कीमत कम से कम आज 50 से 60 करोड़ की कीमत है, उस पर अतिक्रमण करें, आज तक प्रशासन वहाँ हटाने गया ना पलका हटाने गई। मैंने ये बोला कि सबसे पहले आप वहाँ का अतिक्रमण हटाइए, इसके बाद ये स्वच्छता का अतिक्रमण हटा लें, इतना मतलब वो चले गए थे। हाँ, पर मेरी बात सुन के फिर लोग चले गए थे, बोले हम बात करेंगे आप।